हेलो व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं लिविंग इलेक्ट्रिकल चैनल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गीजर का फिटिंग हुआ है और आज हम सीखेंगे कि इसका जो इंटरनल पार्ट है गीजर का, वो उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये एलिमेंट है जो कि 2 किलोवाट का है, यानी 2000 वाट। तो एक तो ये डलेगा और एक ये थर्मोस्टेट है जो कि पानी ज़्यादा गर्म होने पर ये कट हो जाता है। तो ये देखिए, ये थर्मोस्टेट है। दो थर्मोस्टेट व्यूअर्स इसलिए हैं कि अगर एक किसी कारणवश ख़राब हो जाता है तो दूसरा वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए, ताकि ये दोनों में से एक में कट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट का टॉप है और ये गैस्केट है जिससे कि पानी लीकेज ना हो। अब हम इसको डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम ऐसे बिठा देंगे इसमें। और ये बैठ चुका है, अब हम इसके स्क्रू टाइट करेंगे। ये ब्रास के होते हैं गायर, और इसको अच्छी तरह से हम बिठा देंगे। तो ये हम इसको की से एक बार टाइट करेंगे पूरी तरह। ध्यान रहे कि इसको पूरी तरह टाइट करना बहुत ज़रूरी है पहली बार में, क्योंकि अगर आप गीज़र ऊपर लगाएंगे तो फिर ये लीक करेगा, तो फिर आपको वायरिंग में दिक्कत आएगी इसको कसने में। तो आप इसको पहली बार में अच्छी तरह से बिठा दें पूरी तरह, ताकि जब गीज़र इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ये लीक ना करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक ये उसकी कसाई हो रही है। तो व्यूअर्स, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये तीनों नट अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको ज़्यादा नहीं और ज़्यादा नहीं बिठाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सरफेस के साथ टच हो चुके हैं। तो अभी ये पूरा हो चुका है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, वायरिंग में हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, ये दो इंडिकेटर हैं और ये दो वायर के कट पीसेस हैं, और ये कि ये मेन लीड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। न्यूट्रल है, फेज़ है और ये अर्थिंग का है। तो चलिए अब हम आपको वायरिंग पर ले चलते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम थर्मोस्टेट को लगा लेते हैं। ये व्यूअर्स हमारा पहला थर्मोस्टेट है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गीज़र में कट ऑफ स्विच नहीं था, तो इसमें दो कंपनी ने दो थर्मोस्टेट ही लगाए हुए हैं प्रोडक्शन के लिए। तो कट ऑफ का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो अभी इसमें हम दो थर्मोस्टेट का आपको वायरिंग दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों थर्मोस्टेट फिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको मेन लीड लगानी है। तो मेन लीड में सबसे पहले फेज़ वायर लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो मैंने आपको मेन लीड दिखाई थी, ये उसका फेज़ वायर है। तो फेज़ वायर हम लगाने जा रहे हैं इसके थर्मोस्टेट के इनमें। तो ये थर्मोस्टेट के इन में फेज़ वायर लग गया। तो फेज़ वायर को ही हम आगे लेके चलेंगे, जो मैंने आपको कट पीसेस दिखाया था, तो उनमें से एक, और जो हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है, और इनमें से एक वायर हम ये कट वी पीस के वायर के साथ कनेक्ट करेंगे।
और ये हम दोनों को पहले वाले थर्मोस्टेट के आउट में इंसर्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि इसको फॉर्मली टाइट कर दीजिए आप, ताकि स्पार्किंग का कोई झंझट ना रहे। तो अभी इसका जो सेकंड वाला जो सिरा है, इसको हम सेकंड वाले थर्मोस्टेट में इंसर्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड वाला थर्मोस्टेट में इंसर्ट हो चुका है और ये फर्मली टाइट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से फेज वायर आया है यहाँ पर, और इस पे हमने ये ऐड किया इसका इंडिकेटर का एक वायर। और फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और इसके सेकंड एंड पर हमें आउट एंड पर ऐसे ही जैसे एक इंडिकेटर और एक कट पीस का वायर है, ये इंडिकेटर है व्यूअर्स, और ये एक कट पीस का वायर है, इन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसके आउट पर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, इस इंडिकेटर को हमें इसके आउट पर ही कनेक्ट करना है। तो ये हमने इस पे आउट पर कनेक्ट कर दिया है। इसके आउट पर कनेक्ट करने के बाद हमें जो ये इसका फेज वायर है, जो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ आया, इसको इसके एलिमेंट के एक एंड पर लगा देना है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। चाहे आप इस टर्मिनल पर लगा दें, चाहे इस पर लगा दें, तो दोनों में से एक पर तो न्यूट्रल लगेगी। तो इसको हमने फर्मली टाइट कर दिया है। तो ये देखिए कि अभी यहाँ से चल के यहाँ आ गया, और इसके बाद यहाँ और यहाँ। जो गाइस, ये जो इंडिकेटर है, पहले वाला इंडिकेटर को इसके आउट पर लगाना है एक तार, और दूसरे वाला इंडिकेटर है इसके आउट पर लगाना है एक वायर। तो ये इसकी फेज वायर की इंडिकेटर की वायरिंग है। तो ये हो चुका है कम्प्लीट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको न्यूट्रल को कैसे लगाना है। ये देखिए गाइस कि ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स के जो बाकी के दो वायर्स हैं, इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है, जो कि न्यूट्रल वायर हैं। ये न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा ये लीड का मेन का न्यूट्रल है, ये जो लीड का मेन न्यूट्रल है, ये देखिए ये जो न्यूट्रल आ रहा है, तो इन तीनों को हमने इकट्ठा कर देना है। इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया, तो ये न्यूट्रल सबका कॉमन हो गया। न्यूट्रल को कॉमन करके हमें इंसर्ट कर देना है इसके सेकंड वाले टर्मिनल में, एलिमेंट के सेकंड वाले टर्मिनल में। तो ये हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसको ये फर्मली टाइट हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये शायद थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो इसको दोबारा हम इंसर्ट करेंगे। आपको बस ये बात का खास ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ना हो, तो आपको अच्छी तरह से इंसर्ट करके इसको लगा देना है।
और आप जैसे देख सकते हैं इसको फर्मली टाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम आपको ये मैं बताऊंगा कि जैसे आप देख लेंगे कि हमारा जो फेज़ वायर है, जो हमारा मेन जैसे आता है, वो फेज़ वायर यहाँ पर आया, फेज़ वायर के जो दूसरे एंड में जैसे यहाँ पर आके अपने थर्मोस्टेट के आउट में एक वायर लगेगा, थर्मोस्टेट के आउट के जाके फिर इस पे यहाँ पर इन होगा, यहाँ पर इन के बाद फिर यहाँ पर आउट होगा, और इसके साथ एक इंडिकेटर का वायर लगेगा और यहाँ पर ये फेज़ वायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो न्यूट्रल का है, जो एक न्यूट्रल इंडिकेटर का, दोनों न्यूट्रल और एक मेन न्यूट्रल जो कि लीड से आया है, इसको सेकंड एंड पर लगा देना है थर्मो एलिमेंट के, थर्मो एलिमेंट के जो सेकंड टर्मिनल पर लगा देना है तीनों वायर को। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि पूरा वायर वायरिंग ऐसे हमें करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीक में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।